देख रहे हैं fastsamachar.com, खबरों में सबसे तेज। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने सरकार को दिया अल्टीमेट, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे कोलारस उपचुनाव का बहिष्कार। शिवपुरी जिले के कोलारस में पिछले लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित करने, वेतन बढ़ाने, पेंशन लागू करने सहित अन्य मांगे की जा रही हैं। कई बार प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे और मुख्यमंत्री की सभाओं में पहुंचकर भी मांगों की पूर्ति की बात कही, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं होने पर आज प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को अल्टीमेट दिया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह कोलारस उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना था कि वह किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगी। जिस सरकार को हमारी परवाह नहीं है, ऐसी सरकार को हम क्यों चुने? सरकार को जिसकी चिंता है उसी से वोट लें, फिर हमसे क्या मतलब है? उन्हें ड्यूटी कहीं भी लगानी हो, अधिक काम हो, तभी कार्यकर्ताओं की याद आती है, लेकिन जब उनके हक की बात है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जब सबका साथ सबका विकास तो सरकार का खोखला वादा है जो सत्ता के मद में बह जाता है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं। हम ये चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद, बार बार सरकार से अनुग्रह विनय करने के बावजूद उन्होंने हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि इस उपचुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और अपने परिजनों को भी ये कहेंगे कि वो भी चुनाव का बहिष्कार करें। हम ना देंगे वोट और ना किसी को देने देंगे। तो आप पूरे परिवार सहित बहिष्कार करोगे? जी हाँ, हम पूरे परिवार सहित बहिष्कार करेंगे और अपने बाढ़वासियों, ग्राम में रहने वाले लोगों को भी ये कहेंगे कि वो भी मतदान ना करें। तो आखिरकार आपकी क्या मांगे हैं जो अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की? हमारी मुख्य मांगों में था कि हमको एक सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा, हमारी मुख्य मांग में था कि हमारा न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए। तीसरी मुख्य मांग थी कि पेंशन स्वीकृति का हमको दिया जाए, क्योंकि जो कार्यकर्ताएं बुजुर्ग होती हैं उनको अकारण हटा दिया जाता है और उनको पेंशन वगैरह कुछ नहीं दी जाती। कोलारस से अमर काले की रिपोर्ट।